जीजा, जीजा, इस बार हमने कुंवर शक्ति के कक्ष की सारी साज सज्जा अपनी देख रेख में बदल डाली है। हमारे गिरधर गोपाल को भी कोई स्थान दीजिए यहाँ, ताकि ये आपकी कुंवर शक्ति का ध्यान रखे। लीजिए। गिरधर गोपाल, हमारे कुंवर शक्ति और राणा जी के बीच सारे मन मुटाव मिटा दीजिए और दोनों के बीच पहले जैसे पिता पुत्र वाले मधुर संबंध बना लो। अरे आप दोनों आ गए। देखिए कुंवर शक्ति, हमने आपके कक्ष की सारी साज सज्जा अपनी देख रेख में बदल डाली। अच्छी लग रही है ना? अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा और आपका मस्तिष्क भी ठंडा रहेगा। और देखिएगा, आपके और आपके दाजीराज के बीच बहुत मधुर संबंध बनेगा। अरे आप दोनों ऐसे क्यों देख रहे हैं? इतने चुप क्यों हैं? बताइए, कोई प्रताप बोली क्या बात है? हम यह महल छोड़कर जा रहे हैं मारे मारे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। यहाँ नहीं रहेंगे, महल छोड़ के चले जाएंगे। कुंवर प्रताप, आप चुप क्यों हैं? संभवतः यही सबके लिए ठीक है। माँ, आप ही आए थे ना हमारे कक्ष में बोलने? मंजली माता, हम कुंवर शक्ति को कुछ नहीं होने देंगे। फिर कैसे आपको ये बात ठीक लगी? मंजली माँ, हमारा मन ही जानता है कि हमें ये बात कहने के लिए इतना दुख हो रहा है, परंतु यही सत्य है मंजली माँ कि भाई शक्ति और दाजीराज के संबंध इतने बिगड़ चुके हैं कि वे दोनों एक दूसरे को देखना तक स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में इन दोनों के लिए एक दूसरे से दूर ही रहना हित में होगा। आप ये कहना चाहते हैं कि हम राणा जी की प्रसन्नता के लिए अपने पुत्र को जंगल में भटकने दें? कि कभी भी हमें ये समाचार सुनने को मिल जाए कि वह किसी जानवर का शिकार बन गया? नहीं मंजली माँ, भाई शक्ति जंगल में नहीं रहेंगे, वे रावत जी के यहाँ रहेंगे और रावत जी ने भी इन्हें अपने पुत्र की तरह अपने साथ रखने के लिए तैयार है और दाजीराज ने भी ये निर्णय स्वीकार कर लिया है। दाजीराज को होगी ये व्यवस्था स्वीकार, पर हमें नहीं है। बस भाई शक्ति, बहुत बोल चुके अब आप। बार बार आप सबके सामने यही सिद्ध करना चाहते हैं ना कि आपको दाजीराज की कोई चिंता नहीं? फिर बताइए हमें, क्यों मारा आपने भानु सिंह जी को जब वे दाजीराज के विरुद्ध बुरा भला ही कह रहे थे? फिर क्यों किया आपने उनकी हत्या? परंतु ये सत्य नहीं है भाई शक्ति, दाजीराज के गौरव और उनकी प्रतिष्ठा का उतना ही सम्मान है जितना हमें है। पर हम कहीं भी जाकर रहे, जंगल में रहे, ये गांव में, इससे उन्हें क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है भाई शक्ति, यदि आप यूं ही महल छोड़कर जंगलों में रहेंगे तो फिर लोग दाजीराज के बारे में बातें बनाएंगे कि देखो राणा उदय सिंह ने अपने पुत्र के साथ कैसा दुर्व्यवहार कर दिया। और जब उन्हें हमारी चिंता नहीं है तो हम क्यों करें उनकी चिंता? चिंता करनी पड़ेगी आपको भाई शक्ति। अब सत्य का सामना कर लीजिए, और सत्य ये है कि आप भी अभी मृत्यु दंड से बच कर आए हैं। क्षमा में मिला जीवन पुनः अपने हट से बिगाड़िए मत भाई शक्ति, भाग्य भी बार बार अवसर नहीं देता। रावत जी कोई अपरिचित नहीं है भाई शक्ति, वे भी हमारे लिए अपने परिवार जैसे ही हैं। आप उनके साथ पूरे सुख सुविधा के साथ रहेंगे, इसे यूं लीजिए भाई शक्ति, नया जीवन, नया वातावरण, नया आरंभ। कुंवर शक्ति, हम आपके साथ क्यों नहीं चल सकते? हम आपके बिना कैसे रहेंगे? नहीं मासा, आपका स्थान यहाँ मेवाड़ के राजमहल में है। आप रानी है राणा उदय सिंह की। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, कुछ बन नहीं पाते, आप सम्मान के साथ यही रहिए।
एकलिंग जी आपको सफल और सुख भरा जीवन। भगवान आपको बहुत याद करेंगे कुंवर शक्ति। बाबा जी, अगर आप यह निर्णय किसी दबाव में आकर ले रहे हैं तो आप बता दीजिए, अब अभी अपना निर्णय वापस ले सकते हैं। और वैसे भी हम ये बात किसी औपचारिकता से नहीं कह रहे, मन से। नाना जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? संतान भी भला पिता के लिए अभी दबाव हो सकती है। पता नहीं कहा बच्चे। नाना जी, कुंवर शक्ति का हम अपने पुत्र की तरह ध्यान रखेंगे। आपसे सच कहें तो हमारे इस एकाकी जीवन में कुंवर शक्ति एक ठंडी बयार बनकर आए। राणा जी, हम धन्यवाद देकर आपका मान नहीं घटाना चाहते, किंतु आपको हम पर भरोसा तो है। अपने आप से व्यतीत अपना ध्यान रखिएगा राम जी। हम अपनी रानी माँ को आपके पास हमारी धरोहर समझकर छोड़ जा रहे हैं, उनका ध्यान रखिएगा। शक्ति, अपना ध्यान रखिएगा। सज्जा भाई जी, हम आपसे ये कहने आए हैं सज्जा भाई जी कि कुंवर शक्ति के साथ जो कुछ भी हुआ उसका आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। महल में आपका स्थान वही रहेगा जो हमारी रानी का होता है। आपने जो कुछ खोया है उसका हमें भी दुख है, इसके लिए आप हमसे जो मांगना चाहे मांग सकते हैं। मतलब कुंवर शक्ति को वापस बुलाने के अतिरिक्त आप हमसे कुछ भी मांग सकते हैं। कुंवर प्रताप, चाहिए शीघ्र कुंवर प्रताप को यहां बुला के लाइए। रणिकमा, राणा जी, हम जानना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप को उत्तराधिकारी और मेवाड़ का भावी राजा घोषित करने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? जीजा, अभी इस विषय पे बात करने का क्या फायदा? नहीं बहना, इस विषय को उठाने का हमें यही उपयुक्त समय लग रहा है। हमें सदा से पता है कि कुंवर प्रताप महान है, पर आज जैसे इन्होंने हमारे पुत्र का जीवन बचाया, जबकि हमारे कुंवर शक्ति ने तो इनके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया, फिर भी इन्होंने भला किया। इससे ये पता चलता है कि कितना बड़ा है इनका मन। ऐसा ही तो राजा चाहिए ना हमें, और ऐसा ही तो राजा चाहती है मेवाड़ की प्रजा। परंतु मंजली माँ, हमने क्या किया है? सब कुछ तो रावत जी ने किया है। आपने मेवाड़ राज्य की सीमा तक रात को अकेले घोड़े पे जाके सूर्योदय से पहले रावत जी को लाने का वो काम किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। राणा जी, अगर आज आप अपने वचन से हमारी इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, तो अविलंब कुंवर प्रताप को मेवाड़ का भावी राजा बनाने का उत्सव धूमधाम से आयोजित किया जाए, हमारी यही इच्छा।
समस्या उत्तराधिकारी घोषित करने की नहीं, परंतु हमारे राजपुरोहित जी को निकट भविष्य में कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल पा रहा। हाँ जीजा, और ऐसा शुभ काम तो सही मुहूर्त नहीं किया जाता है ना। हम तो बस एक बात जानते, सूरज प्रतिदिन मुहूर्त देख कर नहीं अपने समय पे निकलता है, और जब भी निकलता है अंधेरा मिटता है, उजाला होता है। कुंवर प्रताप जैसी महान संतान के राज्याभिषेक के मुहूर्त की क्या आवश्यकता है? जिस क्षण इनका उत्तराभिषेक होगा वही क्षण शुभ मुहूर्त बन जाएगा। बहुत ही अच्छी बात कही है आपने सज्जा भाई जी, और वो भी तब जब आपका मन पुत्र बिछो में डूबा है। ये तो वही उदाहरण हो गया कि तप तपाती धूप में आप अपनी तपन को भूलकर दूसरे की छाओं में अपना सुख ढूंढ। तुरंत दरबार बुलाया जाए, और हम चाहते हैं कि सब लोग उसमें उपस्थित हों। चलिए कुंवर प्रताप। हुकुम, दिल्ली से एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश आया। प्रधान जी, इससे पहले कि आप हमें संदेश सुनाएं, हम आप सबसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि जिस तरह कुंवर शक्ति मेवाड़ छोड़कर गए हैं, आप सबको उसका बहुत दुख है। तो विश्वास कीजिए, हमारे लिए भी यह निर्णय लेना कोई सरल बात नहीं, परंतु बीती बातों को छोड़कर हमें मेवाड़ के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना। दुर्भाग्य से हमारे राजपुरोहित जी को कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक के लिए निकट भविष्य में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं मिला। परंतु हमने निर्णय लिया है कि अब हम किसी भी शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं करेंगे। कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक होगा, और उनका राज्याभिषेक परसों यानी गणेश चतुर्थी के अगले दिन किया जाए। कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की जय! कुंवर प्रताप की! कुंवर प्रताप का राज्याभिषेक होगा, और उनका राज्याभिषेक परसों यानी गणेश चतुर्थी के अगले दिन किया जाए। गणेश चतुर्थी के बाद वाले दिन दाजीराज? क्यों कुंवर प्रताप, आपको इससे कोई आपत्ति है? जी नहीं। अरे जीजा, बैना धीर भाई अचानक उठ के यहाँ से क्यों चली गई? हमें नहीं पता, पर हमें लगता है राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। जीजा, हमने आपसे पूछा कुछ और आप जवाब कुछ और दे रही हैं। कोई बात नहीं जीजा, आप सभी पुरानी बातों को भूल के तैयारियों में लग जाइए। अब राजकार्य आरंभ किया जाए। बताइए कि दिल्ली से कौन सा संदेश आया है, और आप सब लोग जा सकते हैं। ऐसी खुशी के अवसर पर हम ये संदेश पढ़ना नहीं चाहते। प्रधान जी, वीर योद्धा के लिए अच्छा समाचार और बुरा समाचार दो पत्नियों की तरह होता है, किसे छोड़े और किसे चुने। वीरों को तो दोनों का सामना हंसते हंसते करना पड़ता है। आप संदेशा सुनाइए। संदेश आया है कि मुगल दिल्ली तक पहुंच चुके हैं। हुमायूं की विशाल सेना के सामने शमशेर खान की स्थिति दयनीय है। ये तो बहुत ही एक अच्छा संदेश हुआ ना होगा। हमारे बाऊजी राज प्रताप की हत्या का षड्यंत्र कर रहा था ना दिल्ली में बैठा वो शमशेर खान, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं कि बुरे का परिणाम बुरा ही होता है। दरबार में कुछ भी बोलने से पहले भारत की राजनीति को अच्छी तरह से समझ लीजिए और फिर बात कीजिए। जब तक शमशेर खान दिल्ली पर राज कर रहा था, मेवाड़ के लिए बुरा था, परंतु अब
मुगल दिल्ली पर राज करेंगे और ये सारे राजपुताने के लिए संकट का संकेत है। वो एक बार फिर आ गए हैं रानी मां, जिन्होंने आपको एक गौरवशाली महारानी से निर्जीव चित्र बना दिया था। परंतु दाजीराज, हमने तो सुना था कि दादी रानी ने जौहर किया था। कुंवर प्रताप, आप यहां क्या कर रहे हैं? जाइए और मन लगा के शस्त्र अभ्यास कीजिए। नहीं दाजीराज, हम कहीं नहीं जाएंगे जब तक आप हमें बता नहीं देते कि हमारी दादी रानी की मृत्यु का मुगलों से क्या संबंध है। कुंवर प्रताप, मुका ना चाहिए यहां से। दाजीराज, हमने कई बार देखा है जब भी आपके सामने मुगलों का नाम आता है आप गंभीर हो जाते हैं। दाजीराज, यदि आप हमें मेवाड़ के भावी राज अभिषेक के उपयुक्त समझते हैं तो फिर मेवाड़ के इतिहास में जो भी कुछ हुआ था उसे जानने और समझने के लिए आपको हमें योग्य मानना चाहिए। दाजीराज, क्या जानना चाहते हैं आप कुंवर प्रताप? यही, मुगलों का नाम सुनते ही हमारा रक्त खौलने क्यों लगता है? सुनिए, अगर हमारे इतिहास में मुगल बादशाह हुमायूं का नाम नहीं होता तो आज हमारी रानी मां जीवित होती। हम यही जानना चाहते हैं कि हमारी दादी रानी, जिन्होंने गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ अंतिम युद्ध करने से पहले तक अंतर महल से अपना पांव बाहर तक नहीं रखा, फिर भला उनका हुमायूं से क्या संबंध? हुमायूं तो एक आक्रमणकारी मुगल है ना दाजीराज। हमारी रानी मां की यही सोच थी कि प्रेम से बंधे रेशम के धागे में एक राखी में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े राजा को अपने स्नेह से बांध सकती है। दुर्भाग्य से उनकी सोच मिथ्या थी। हम कुछ समझे नहीं दाजीराज। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की नजर हमारे चित्तौड़ पर थी। हुमायूं ने हमारी रानी मां को वचन दिया था कि जब भी बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करेगा तो हुमायूं की सेना चित्तौड़ की रक्षा करेगी। हमारी रानी मां ने हुमायूं को अपना भाई जैसा माना था, उस पर विश्वास भी किया था। जब समाचार आया कि महारानी साहब, बहादुर शाह की सेना गुजरात से निकल चुकी है, वे मेवाड़ की तरफ बढ़ रहे हैं और किसी भी क्षण मेवाड़ में पहुंच सकते हैं। हम मुगल बादशाह हुमायूं के लिए ये राखी भेज रहे हैं। हम जानते हैं जैसे ही उन्हें एक छत्राणी की राखी मिलेगी वो समझ जाएंगे कि उनकी बहन संकट में है और अपनी बहन की रक्षा के लिए वो तुरंत सेना लेकर आएंगे। वो अपने मुगल भाई की प्रतीक्षा करती रही। दिन पे दिन बीतते गए और अंत में वो दिन आ ही गया जब रानी साहब, किले की दीवार को बारूद से उड़ा दिया गया है, आधी टुकड़ी नष्ट हो चुकी है, वे कभी भी किले में प्रवेश कर लेंगे। मुगल सेना की कोई सूचना? पर रानी माँ का अपने मुगल भाई के प्रति विश्वास एक बार भी डगमगाया नहीं। संसार में आज तक किसी भाई ने मुसीबत में पड़ी बहन का भरोसा नहीं तोड़ा है और आज भी इस बहन का भरोसा नहीं टूटेगा। महारानी साहब, जो गुप्तचर मुगलों की टोली के साथ आ रहे थे उन्होंने संदेशा भेजा है। हुकुम, समाचार बड़े दुख का है। हुमायूं ने सुल्तान बहादुर शाह से हाथ मिला लिया है। मुगल सेना जानबूझकर बहादुर शाह की सेना को हमें समाप्त करने का खुला अवसर दे रही है। हुमायूं से धोखा खाने के बाद हमारी रानी मां के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। आज हम सभी राजपूत छत्राणियों के लिए
शत्रुओं के हाथों अपने आत्म गौरव को बचाने के लिए हंसते हंसते अपने प्राण देने का समय आ गया है। इसलिए हुमायूं और मुगल तो सदा शत्रु ही रहेंगे और ये शत्रुता कभी कम नहीं होगी और ना ही हमारे मन में बदले की धधकती आग कभी कम, क्योंकि उन्होंने रानी माँ को धोखा दिया है, उनके विश्वास को धोखा दिया है। उन्होंने रानी माँ को मारा है और उन वीरांगनाओं को मारा है जिन्होंने जौहर में कूद कर खुद को भस्म कर दिया, सदा सदा के लिए अमर कर दिया। गिरजाया जी, राणा जी ने ये जो भावी राज्याभिषेक की तिथि बिना मुहूर्त के तय की है, न जाने उससे हमारा मन बुरी बुरी आशंकाओं से घिरता जा रहा है। सच्चा बिना तो भूली है, उन्हें क्या पता कुंवर प्रताप के प्राणों पर पहले भी कैसे कैसे संकट आ चुके हैं। उधर राणा जी समझ रहे हैं कि शम्स खान के मरने के बाद कुंवर प्रताप का अब कोई शत्रु नहीं बचा है, उनके बाहरी संकट सारे समाप्त हो चुके हैं। अब उन्हें हम कैसे समझाएं कि कुंवर प्रताप का सबसे बड़ा शुभचिंतक ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है और वो कहीं बाहर नहीं, यही महल में है। राणा जी ने तो कई दिनों से हमारा चेहरा तक नहीं देखा, अब इन बाहरी संकटों के बारे में हम उनसे बात करें तो कैसे? महारानी सा, अब पहले वाली बात नहीं रह गई है, सब जान चुके हैं कि बावजी राजी मेवाड़ के भावी राजा बनेंगे। अब धीर भाई सा को भी बावजी राज के विरुद्ध कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। अब हर समय बावजी राज पर मेवाड़ नाथ और सारे सामंतों का ध्यान है, पर रानी माँ, जब मुगलों ने हमें ऐसी चोट पहुंचाई है तो फिर हम उन्हें समाप्त क्यों नहीं कर देते? हुमायूं ने हमारी दादी रानी के साथ विश्वासघात किया है रानी माँ, हम हुमायूं का सर क्यों नहीं उड़ा देते? हम उसकी सेना को क्यों नहीं मिटा देते? देखा रानी माँ, आज तक उस दिन के भयानक यादों से सब लोग कैसे दहल जाते हैं, फिर क्यों हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं रानी माँ? क्यों इसी समय हम मुगलों पर धावा बोलकर उनको उनके किए का दंड नहीं देते? हम इस विषय के विशेषज्ञ तो नहीं है प्रताप, पर आपके दाजीराज के साथ हुई बातों से इतना तो जाना है कि मुगल सेना कोई साधारण सेना नहीं, उनके पास आधुनिक बारूद है, तोपे हैं और एक विशाल अनुशासित व्यवस्थित और क्रूर सेना है जिसने सदियों से कई देशों पर आक्रमण कर करके युद्ध में उत्कृष्ट अनुभव अर्जित किया है। इसलिए आज मुगल सेना को अजय सेना माना जाता है। यदि जो समाचार हम तक पहुंचे हैं वे सच है तो मुगल दिल्ली तक पहुंच चुके हैं और बहुत शीघ्र वो अफगानों को हराकर दिल्ली पर अपना अधिकार करने वाले हैं। काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो सबके। अब कोई दम नहीं बचा अफगानों में, घेरो इसे, बचने ना पाए शमशेर खान। अब बताएं, हमारे कदम चुनने को बेताब है सिपाहियों, आगे बढ़ो। मुगल सेना इस समय इतनी शक्तिशाली बन चुकी है कि आज वो चाहे तो बड़ी से बड़ी सेना को आसानी से रौंद कर रखते। शमशेर खान तो बहुत साधारण शिकार है इस समय उनके सामने।
आज तक हमने जिस मुल्क को भी फतेह किया, हमारी फौज ने उसे लूट लिया, कत्लेआम मचाया, उसे नेस्त तो नाबूद किया है। मगर आज ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ लूटने के मकसद से नहीं आए, हम यहाँ हुकूमत करने आए। दिल्ली पर हुकूमत करनी है हमें। हम इसी मैदान जंग से यह ऐलान करते हैं कि आज से दिल्ली मुगलिया सल्तनत का मरकज होगी। बाखुदा दिल्ली हमारा मुल्क और दिल्ली ही हमारा वतन होगी। शहंशाह हिंद बादशाह हुमायूं जिंदाबाद। 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 आलम पना, अल्लाह के फजल व करम से तख्ते मुगलिया पाक किया जा चुका है। खुदा करे हमारे बादशाह सलामत कुछ तख्त व ताज पर पीढ़ियों तक काबिज रखे और मुगलिया सल्तनत के जहो जलाल फैलाएं। जहां पना अब अल्लाह का नाम लेकर तख्ते मुगलिया पर तशरीफ रखे। शहंशाह हिंद बादशाह हुमायूं जिंदाबाद। 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 कहां है हमारी फतेह के असली कारकुन, हमारे लखते जिक्र, हमारे शहजादे जलाल कहाँ हैं? आज हमारी फतेह और हमारी तख्त पोशी की खुशियों में उन्हें यहां होना चाहिए था, हमारे साथ कहाँ हैं? नजर क्यों नहीं आ रही? शहजादे जलाल, हमारे सामने सच्चाई रखी जाए, हुक्म की तामील हो।
बाजीराज। बेग, हम जानते हैं कि आप सब जानते हैं, बताइए कहां हैं शहजादे जलाल? गुस्ताखी मुआफ आलम पना, शहजादे जलाल ने यह पैगाम आपके लिए भेजा है। हौलिलकुवत, क्या मुसीबत है। अपने ही शहजादे के बारे में मालूमात करने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती है जितनी दुश्मन की ताकत जानने के लिए करनी पड़ती है। और हर शख्स जो यहां मौजूद है और फिर भी खामोश है, शहजादे को बचाने के लिए इसका जिम्मेदार है। शहजादे का पैगाम बावाज़े बुलंद बढ़ा जाए। अब्बा हुजूर, हमने अफगानों को हराकर दिल्ली पर मुगलिया परचम फहराया, इसकी हमें बे इंतहा खुशी है। इस खुशी को यादगार बनाने के लिए आपने हमें जो हाथी तोहफे में दिया था, हम उसी हाथी पर शिकार के लिए जा रहे हैं, ताकि इस पर बैठकर जो पहला शिकार करें उसका सर पाक परवरदिगार अल्लाह ताला के हुजूर में चढ़ाकर उनसे इल्तिजा कर सकें कि बहुत जल्द आपकी हुकूमत दिल्ली तक ही नहीं सारे हिंदुस्तान तक फैल जाए। पर अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हमारी फौज आपके पसंदीदा राजपूताने को भी इतनी ही आसानी से जीत ले जितनी आसानी से उसने दिल्ली को आपके लिए जीत कर दिखाया है। हम आपको वचन देते हैं दाजीराज कि हम मुगलों को हमारे राजपूताने पर उंगली तक नहीं रखने देंगे। हम इन मुगलों से हमारी दादी रानी के बलिदान का बदला अवश्य लेंगे दाजीराज, ये हमारा वचन है। कुंवर प्रताप, आपको लेकर हमारा विश्वास अब और दृढ़ हो गया है। इस मार्ग पर आप चल रहे हैं और जिस तरह की आपकी सोच बनती जा रही है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखिएगा एक दिन आप हमसे भी सफल राजा बनकर दिखाएंगे। दाजीराज, कुंवर प्रताप, अब आवश्यक नहीं कि आप हमारी हर बात पर विवाद करें। माना कि आप हमसे बड़े राजा बन जाएंगे, परंतु दाजीराज तो हम ही रहेंगे आपके। कल होने वाले कुंवर प्रताप के राज्याभिषेक उत्सव के लिए तैयारियां भव्य रूप से आरंभ की जाए, और हम चाहते हैं कि ये उत्सव इतना भव्य हो जितना ना आज तक किसी ने देखा हो और ना सुना हो। पूरे मंदिर को गेंदे के फूल से सजाओ और फिर बताओ गणेश चतुर्थी की पूजा कब आरंभ की जा सकती है। देखकर नहीं काम कर सकती? तुम्हें पता है तुमने जो किया उसका अर्थ क्या होता है? जा तुम लोग। देखिए महारानी सा, कुछ भी तो नहीं हुआ और कुछ बुरा हो भी नहीं सकता। आज से ठीक 15 वर्ष पूर्व वो भद्र चतुर्थी का ही दिन था जब मेवाड़ नाथ ने आपकी मांग में सिंदूर भरा था। जीजा, कल आपके विवाह की 15वीं वर्षगांठ है। हम जानते हैं राणा जी से बिछाव का दुख आपके लिए असहनीय है, परंतु आप अपने आने वाले कल के बारे में सोचिए। हमारे कुंवर प्रताप मेवाड़ के भावी राजा बनने वाले हैं। जीजा, उस एक क्षण का सुख आपके बीते हुए सारे क्षणों के दुखों को भुला देगा। नहीं मंजली माँ, आधा दूरा सुख क्यों हो हमारी रानी माँ के लिए? यदि सुख हो तो फिर पूरा। प्रताप, आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
आपके उस दुख को देख रहे हैं रानी माँ, जिसे आपने बड़े जतन के साथ हमसे छिपाया है। हम बात करेंगे दाजीराज से कि आपको आपका खोया हुआ सम्मान फिर से मिले। इसके लिए हम मनाएंगे दाजीराज को। नहीं प्रथा, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्षमा कीजिए रानी माँ, परंतु इस बार हमें आपकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें क्षमा कर दीजिएगा। रोकिए ना कुंवर प्रताप को, गिरजा जी रोकिए उसे। महारानी सा, जाने दीजिए बाजी राज को। क्या पता संतान के हट के आगे मेवाड़नाथ अपनी हट छोड़ दे। असंभव कुंवर प्रताप, ये बिल्कुल असंभव है। बाजी राज, हम आपके आगे हाथ जोड़कर परंपरा निभाने की तो विनती कर रहे हैं, और फिर आप ही बताइए दाजीराज, भावी राजा के अभिषेक के समय उसके माता पिता उसके साथ हो, क्या ये मेवाड़ की परंपरा नहीं है दाजीराज? और फिर हमारे जीवन के इतने महत्वपूर्ण क्षणों में हमारे रानी माँ और हमारे दाजीराज हमारे साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? कुंवर प्रताप, निर्बल हृदय वाले ही परंपरा का नाम लेकर अपनी हट को मनवाते हैं। पर ये हट नहीं है दाजीराज, ये प्रार्थना है। हमारा तो छोटा ही सपना है कि हम अपने दाजीराज और रानी माँ को फिर से एक बार साथ देख ले। कुंवर प्रताप, यदि आप हमसे कुछ और मांगते तो हम आपको सहर्ष दे देते, किंतु आपकी रानी माँ के साथ एक बार फिर से समझौता असंभव कुंवर प्रताप, असंभव। आपके राज्याभिषेक को लेकर हमारे मन में जो उत्कंठा है, वैसी उत्कंठा हमने आज तक और किसी बात के लिए नहीं दिखाई। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कुंवर प्रताप, कि ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे हमारा ये सपना भी चूर चूर हो जाए। परंतु दाजीराज, आपके दाजीराज कुंवर शक्ति की घटनाओं को लेकर बहुत दुखी चल रहे हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप उन्हें थोड़ा समय दें। समय के साथ साथ सारे घाव ठीक हो जाते हैं। आप उन्हें समय देंगे ना? कुंवर प्रताप, आप जब भी सपना देखोगे, आपके सपने और उसे पूरा होने के बीच में हमें दीवार सा खड़ा पाओगे। हम तब तक आपके सपने तोड़ते जाएंगे जब तक आप सपने देखना छोड़ ना दें। यही आपके भविष्य की कड़वी सच्चाई है। कोई पता क्या हुआ? नहीं माने राणा जी, हमें तो पहले ही पता था ये होने वाला है, पर जीजा का दुख देखकर हमने भी आस लगा ली थी। फिर हम सब ने मिलकर एक बात सोची। आप मन छोटा मत कीजिए कुंवर प्रताप, क्योंकि हमें भी एक बात सूझ गई है। जब महाराणी साह और महाराणा साह का विवाह संपन्न हो रहा था, तब मैं भी वहां पर उपस्थित था। फिरे फिरते समय उन दोनों ने एक दूसरे को इतने मन से वचन दिए थे, आज विस्मरण करता हूँ तो मन भाव विभोर होता है, और आज उसी विवाह को बचाने के लिए हमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। बहुत दुख होता है यह सोचकर। यदि दोनों को उन्हीं वचनों की याद दिला दी जाए जो वचन उन्होंने विवाह के समय एक दूसरे को दिए थे, तो क्या ये पर्याप्त नहीं होगा? परंतु बाबूजी राज, वे वचन तो विवाह मंडप में विवाह के समय ही दिए जाते हैं। तो कोई बात नहीं, दोबारा विवाह करवा दीजिए, उसमें क्या है? सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, यह अभियान हमें अति गोपनीयता के साथ पूरा करना है। यदि इस अभियान में एक भी भूल हुई तो अभियान आरंभ होने से पहले ही भरभरा के गिर पड़ेगा। कुंवर प्रताप, आप यहाँ हैं? छोटी माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? सब कुछ ठीक, बस हमारे जगमाल उल्लाहना कर रहे थे कि उनके दादा भाई के पास उनके लिए समय ही नहीं। ऐसे यहाँ जो कुछ भी चल रहा था, यहाँ आके हमने उसमें व्यवधान तो नहीं डाला। चल क्या रहा था यहाँ पर? अरे बहना, कुछ भी तो नहीं। कौन पता, अब आप अपनी छोटी माँ से बातें छुपाने लगे हैं? छोटी माँ, हमने आज तक आपसे कुछ छुपाया है? नहीं, और वैसे भी कोई छुपाने वाली बात है ही नहीं। मंजली माँ, अब छोटी माँ से क्या छिपाना? हम दाजीराज और रानी माँ के विवाह की वर्षगांठ के लिए निमंत्रण पत्र बना रहे हैं। कुंवर प्रताप, आपके दाजीराज और रानी माँ एक दूसरे को आंख पर देखते भी नहीं। हम जानते हैं वो सब छोटी माँ, इसीलिए हमने
उन दोनों की पुनः विवाह रचाने की योजना बनाई है और यह हमारा विश्वास है छोटी माँ, देख लीजिएगा एक बार उन्होंने अपने अपने वचन दोहरा दिए तो फिर उन दोनों के बीच के सारे अंतर सारे तनाव मिट जाएंगे। ठीक है, आपके इस कल्याणकारी कार्य के लिए हमारी भी शुभकामनाएं। पर महारानी साहब, क्या ये सब बातें आप मेवाड़नाथ से छुपा पाएंगी? आप कहना क्या चाहते हैं? हम जानते हैं राणा जी से ये बात छिपाने में आपको थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, परंतु कोई बात नहीं, हमारे पास इसके लिए एक सरल उपाय है। आप क्यों नहीं कुंवर जगमाल के सर पे हाथ रख के सौगंध खा लेती, फिर इससे हम सबको संदेह होगा ही नहीं। और फिर देखना बहना, आप कैसे हम लोग के साथ सम्मिलित होके हमसे भी एक से बढ़कर एक जुगत बताएंगी। ठीक है बहन। प्रताप को ये वस्त्र पहनाए जाए, निश्चित रूप से इन वस्त्रों में हमारे कुंवर प्रताप छोटे राणा लगेंगे। उत्तम, अति उत्तम। ध्यान रहे, किले के किसी भी भाग में अंधेरा नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि इस भव्य उत्सव पर चित्तौड़ का किला प्रकाश में जगमगाए। चित्तौड़ के किले को ऐसे सजाया जाए जैसे विवाह में वधू को सजाया जाता है। खम्मा गनी हुकुम, यह आपके लिए हुकुम। ये तो हमारे विवाह के वस्त्र हैं। ये कहाँ से लाए हैं? हमने बोला था दाजीराज, मेवाड़ के भावी राजा के रूप में हमारे अभिषेक का दिन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा, इसीलिए आपके लिए जो सर्वश्रेष्ठ हो हमने वही चुना है आपके लिए। दाजीराज, आप इसे एक बार पहनकर देख लीजिए ना, आपके विवाह को तो बहुत वर्ष हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि आप एक बार इसे पहनकर देख लीजिए कि आपको ये बराबर आ रहा है या नहीं। हम इन वस्त्रों को अकेले में पहनकर देख लेंगे, अभी आप यहाँ से जा सकते हैं। पर दाजीराज, इस समय तो वस्त्रकार जी भी यहीं हैं। यदि इस वस्त्र में कोई घटबड़ करनी हो तो ये तत्काल कर देंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है बेला, इतने वर्षों बाद हम विवाह का जोड़ा क्यों पहने? क्योंकि जीजा हम चाहते हैं आप इस जोड़े को पहने। बेला, हमारे और राणा जी के संबंध कैसे रह गए, ये बात आपसे छुपी तो नहीं है? फिर सब कुछ जानते बूझते आप हमसे ये जोड़ा पहनने का हट करें, क्या ये बात ठीक है? माना जीजा, आज आप और राणा जी के संबंधों में वो मिठास नहीं रहा जो पहले था, परंतु जीजा हमें पता है कि आज भी आपके मन में राणा जी के लिए वही प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना है जो पिछले 15 वर्षों पहले थी। हमें पूरा विश्वास है कि इस विवाह के जोड़े को पहन के आप पुनः उन पलों को जी लेंगे जिसमें प्रेम था, सपने थे और खुशियां थी। पहन लीजिए ना जीजा। पर बहना, तो ठीक है जीजा, जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। ठीक है। हे एकलिंग जी, आज तक हमने जो भी झूठ कहा है या फिर जो भी झूठ कहेंगे उसके लिए हमें क्षमा कर देना। आप तो जानते ही है ना कि हम ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे दाजीराज जो हमारी रानी माँ से विमुख हो गए हैं उन दोनों में फिर से पहले जैसा प्रेम और विश्वास आ जाए। एकलिंग जी, हमारे दाजीराज और रानी माँ को फिर से पहले की तरह मिला दीजिए। नहीं कुंवर प्रताप, आपने हमसे जो कुछ भी कहा
वो जाके अमराना जी से कह दे, नहीं ऐसा दुस्साहस हमसे नहीं होगा। देखिए मंजली माँ, दूसरे लोग चाहे जो भी कह दे, परंतु हमारी जानकारी में तो आपसे बढ़कर साहसी महिला पूरे मेवाड़ में नहीं होगी। परंतु यदि आप चाहती है कि आपके सुझाव से जो हमने इस अभियान को यहाँ तक पहुँचाया है वो बिना कोई लक्ष्य प्राप्त करे बीच राह में अपने प्राण छोड़ दे, ठीक है, मत कीजिए हमारी सहायता। अच्छा ठीक है, हम करेंगे आपके लिए, ये भी करेंगे। और प्रताप भी कभी कभी ऐसी हद कर बैठते हैं कि किसी को बालहट कहते हैं, बच्चों का काम है, ये बड़ों की बुद्धि पर है कि कौन सी हट माने और किस वक्त कैसा उचित निर्णय। दाजीराज, देखिए कैसी भोली मुस्कान खिल रही है इनके चेहरे पर। अब ऐसी मुस्कान के लिए इनकी हट ना माने तो क्या करें। आप ही बताइए दीप भाई जी, अगर हम बुद्धि से निर्णय लेंगे तो ये अनमोल हंसी खो नहीं देंगे। छोटी माँ, क्या आप हमारे दाजीराज और रानी माँ की विवाह की बातें हमें सुना सकती हैं? सुनाइए ना छोटी माँ। और प्रताप क्या है इस? छोटी माँ सुनाइए ना। कोई बात नहीं राणा जी, अगर इतनी छोटी सी बात से कुंवर प्रताप को सुख मिलता है तो हमें बीती बातें सुनाने में कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, सुना दीजिए इनको जो ये सुनना चाहते हैं। हुकुम, वो दिन आपके जीवन का सबसे आनंद भरा दिन था जब जयवंता जीजा विवाह का जोड़ा पहनकर लजाते सकुचाते विवाह के मंडप में आपके सामने आए तो आते ही उन्होंने आपका मन हर लिया। छोटी माँ, और वो शुभ चरण वाली बातें? हमने तो यहां तक सुना है कि जीजा के आने मात्र से राणा जी की किस्मत ही बदल गई, मेवाड़ के महाराणा बन गए विवाह के उपरांत, और उसके प्रति उत्तर राणा जी ने मोरों से भरा उद्यान उपहार में दिया जीजा को, क्योंकि वे जानते हैं कि जीजा को मोर कितने प्रिय हैं। राणा जी, क्या बात है सज्जा भाई जी? राणा जी, वो जीजा, वो इकलिंगजी के मंदिर में, वो क्या हुआ? मंजली माँ, आप चुप क्यों है? बोलिए ना, क्या हुआ? वो बोलिए ना मंजली माँ। वो राणा जी, तत्काल मंदिर में आपको जीजा ने बुलाया है। राणा जी, आपका भोजन तैयार। जयवंता जी ने अगर हमें तत्काल बुलाया है तो अवश्य ही कोई कार्य होगा, हमें तत्काल जाना चाहिए। महारानी सर, आपको किसी की नजर ना लगे, आप आज भी उतनी सुंदर दिख रही हैं जितनी आज से 15 बरस पहले दिख रही थी अपने विवाह पर। ठीक ही तो कह रही थी सज्जा भी, इस जोड़े के पहनने भर से राणा जी के साथ बिताए वो सारे पल जो अमूल्य थे हैं।
आंखें फिर से जैसे आंखों में तरल आए। महारानी सा मेवाड़नाथ। राणा जी क्या हुआ? वो मेवाड़नाथ एकलिंग जी के मंदिर में क्या हो रहा है ये सब? कौन कर रहा है हमारे साथ ऐसा परिहास? किसकी है ये मूर्खता? हमने किया ये सब दाजीराज। क्षमा कीजिए दाजीराज, रानी माँ क्षमा कीजिए, परंतु हम क्या करते, करना पड़ा हमें ये सब। आज आप दोनों के विवाह की 15वीं वर्षगांठ के इस पावन अवसर पर हम आप दोनों से विनती करते हैं कि आप दोनों राजपुरोहित जी के निर्देश में एक बार फिर से अपने विवाह के वचन लें। आपने अपने विवाह के 15वीं वर्षगांठ पर हमें आमंत्रण दिया, ये हमारा सौभाग्य है। हम भी आपके सादर निमंत्रण के लिए हृदय से आभार हैं। बहुत बहुत बधाई हो उनको, बहुत बहुत बधाई हो उनको, बहुत बहुत बधाई हो उनको, बहुत बहुत बधाई हो। कुंवर प्रताप, आपने ये करने का दुस्साहस कैसे किया? ये सब कुछ बिना हमारी आज्ञा के? ये एक मूर्खतापूर्ण अर्थहीन आयोजन है जिसे नहीं होने दिया जाएगा, समझे आप? कोई नहीं लेगा फिर से विवाह के वचन। ये क्या किया आपने प्रताप? आपके दाजीराज की अवज्ञा करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने ऐसा क्यों किया? हमारे नाम के झूठे आमंत्रण से जो आपको व्यर्थ यहां पर आना पड़ा, और इसके कारण जो भी आपको असुविधा हुई उसके लिए हम राणा उदय से आप सबसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। आप सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मत जाइए ना दाजीराज, हमारी रानी माँ सचमुच आपकी कमी अनुभव करती है।
हम सारे लोग आप दोनों को एक साथ देखने के लिए तरस गए दाजीराज। दाजीराज, अभी अभी आपने देखा ना, जब आप सभी लोग से क्षमा मांगकर जाने लगे तब हमारी रानी माँ ने हमें ही डांटा। इतना सब कुछ होने के बाद भी रानी माँ ने आपकी मर्यादा की ही बात की दाजीराज, मत जाइए। दाजीराज, अभी अभी आपने देखा ना, जब आप सभी लोग से क्षमा मांगकर जाने लगे तब हमारी रानी माँ ने हमें ही डांटा। इतना सब कुछ होने के बाद भी रानी माँ ने आपकी मर्यादा की ही बात की दाजीराज, मत जाइए। कुंवर प्रताप, अब आप इतने छोटे बालक भी नहीं रहे कि हमारे साथ बाल हट करें। नहीं दाजीराज, जब तक आप हमें हाँ नहीं कह देते हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। कुंवर प्रताप, क्या आपके मन में हमारा कोई भय नहीं रहा? राणा जी, कुंवर प्रताप ने जो भी कुछ किया उसमें दोष हमारा भी है। हम भी इसमें समान रूप से दोषी हैं अन्नदाता। अब मान भी जाइए, कितने अतिथि आ गए, यदि ऐसे में आप ही मंडप पर नहीं पहुंचे तो इसमें जीजा का भी बहुत अपमान होगा। जितना हम आपके और जीजा के संबंध को समझते हैं, यदि आज भी जीजा के मान पर आंच आए तो आप अपने प्राणों पर खेल जाएंगे। ठीक है, हम मंडप में पहुंच जाएंगे। परंतु यदि आप सब लोग ये सोच रहे हैं, और विशेषकर आप कुंवर प्रताप, ये एक बार फिर से विवाह के मंत्र पढ़ लेने से या एक बार फिर से वरमाला पहनने से हमारे और जयंता बाई जी के बीच में संबंधों में परिवर्तन आएगा, ये आप सब लोगों की भूल है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, समझे आपको मैं पता। आपने जितनी बड़ी स्वीकृति दी है दाजीराज, ये हमारे लिए बहुत है। आपके इसी अनुकंपा के लिए हम सच्चे मन से बहुत बहुत आभारी है दाजीराज। अब सब लोग बिना समय गंवाए विवाह मंडप की ओर प्रस्थान करें। मेवाड़ नाथ की जय। कुंवर प्रताप की जय। मेवाड़ नाथ की जय। मेवाड़ नाथ की वो फटाके फोड़ने वाले ने फटाके जमाए हैं या नहीं? देखिए जी बाऊजीराज, बाऊजीराज वो देखिए आपकी रानी माँ। रानी माँ, महाराणा जी और महारानी जी, आज के ठीक 15 वर्ष पूर्व
इसी तिथि को आप दोनों विवाह के पवित्र बंधन में बंधे थे। उस विवाह संस्कार में अग्नि को साक्षी मानकर आप दोनों ने एक दूसरे को जो जो वचन दिए थे, आज फिर से उसी अग्नि को साक्षी मानकर उन वचनों को पुनर्जीवन प्रदान करना होगा। मैं एक एक करके सातों वचनों को पढ़ूंगा और आपकी स्वीकृति के उपरांत ही वे सारे वचन पुनर्जीवित होंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सवाभ्यांतरा शुचि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि। महाराणा जी, अब पहले वचन से प्रारंभ करते हैं। पति अग्नि को साक्षी मानकर अपनी पत्नी को ये वचन देता है कि जीवन भर अपनी क्षमता अनुसार वो अपनी पत्नी और उससे होने वाले बच्चों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखेगा। जबकि पत्नी उसी अग्नि को साक्षी मानकर अपने पति को ये वचन देती है कि वो जीवन भर अपने पति के समस्त परिवार की सुख सुविधा का ध्यान रखने में अपने पति का साथ देगी। क्या आपके पति देव ने समस्त परिवार और बच्चों की सुख सुविधा वाला ये वचन निभाया है?